नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी में हम जानेंगे कि मंगलसूत्र क्या है, महिलाएं ही इसे क्यों पहनती हैं, क्या है इसका महत्व, जानें ऐसे तमाम सवालों का जवाब। हिंदू धर्म में कई तरह की रीति रिवाज व परंपराएं होती है जिनके पीछे कई कारण व उद्देश्य छुपे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन रीति रिवाज व परंपराओं का क्या उद्देश्य है, जब तक हम इन्हें नहीं जानते हैं तब तक हमें ये अंधविश्वास या बिना मतलब की एक धार्मिक विधि लगती है। इसी तरह सनातन धर्म में पहने जाने वाले मंगलसूत्र को लेकर भी कई तरह भ्रांतियां व मिथक बातें फैली हुई है, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के लिए मंगलसूत्र का बहुत महत्व होता, इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसने इसे पहनने की परंपरा शुरू की, इसे क्यों पहना जाता है, इसका महत्व है? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनके बारे में शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। आज हम आपको मंगलसूत्र से जुड़ी कई बातें विस्तार से बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी सोचेंगे कि इस बात की तो जानकारी ही नहीं थी। तो चलिए फिर जानते हैं। मंगलसूत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मंगल और सूत्र। मंगल का अर्थ मंगल ग्रह और सूत्र का मतलब होता है धागा, यानी कि मंगल ग्रह का धागा। मंगलसूत्र को हिंदू धर्म में पवित्र सूत्र समझा जाता है। भारत में सभी विवाहित हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। यह उनके सुहाग की निशानी होती है। यह एक प्रकार का आभूषण है जो सोने के लॉकेट और मोतियों से बना होता है। देखने में यह माला हार की तरह होता है। आइए अब जानते हैं कि इसे पहनने की परंपरा कब शुरू हुई। जैसा कि आपको बताया गया कि मंगलसूत्र का क्या अर्थ होता है, तो आप ये भी जान लें कि मंगलसूत्र का संबंध मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक आभूषण है, भला इसका मंगल ग्रह से कैसा संबंध? तो आपको बता दें कि महिलाओं के जीवन में ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्रह का रंग लाल होता है, यह शरीर में रक्त को दर्शाता है और पुरुष के मुकाबले महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है। रक्त की कमी के कारण एक बीमारी होती है जो महिलाओं में ज्यादा होने की संभावना देखी जाती है, वो है एनीमिया। मंगल ग्रह की मदद से रक्त की कमी में सुधार किया जा सकता है। वहीं यह ऊर्जा, साहस, सहनशीलता और शक्ति का कारक ग्रह माना गया है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले शारीरिक तौर पर इनमें कमी पाई जाती है और इस कमी को मंगल ग्रह पूरा कर सकता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सभी ग्रह हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार से जुड़े हुए होते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए लाल रंग का गुलाब और लाल रंग का कोई भी चिन्ह प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पति के साथ प्रेम को बढ़ाने में मंगल ग्रह सहायता कर सकता है। यह स्त्री की प्रजनन क्षमता के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्त्री की मासिक धर्म का कारक भी यही ग्रह है। स्त्री की प्रजनन क्षमता को इससे बढ़ाया जा सकता है। स्त्री के जीवन में मंगल ग्रह का कारक होने के कारण पति पत्नी के संबंध में मधुरता लाई जा सकती है। यह पति के आयुष और स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है। यह पति के साथ मन मोटाव को कम कर सकता है। इस प्रकार महिलाओं के जीवन पर मंगल ग्रह का प्रभाव देखते हुए वैदिक ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की रचना की। आप मंगलसूत्र को देखेंगे तो उसमें एक सोने का पेंडेंट लगा होता है और लाल रंग के मोती होते हैं। अब आप में कहेंगे कि ज्यादातर महिलाएं तो लाल नहीं बल्कि काले मोती वाला मंगलसूत्र पहनती है।
तो बता दें कि अगर मंगलसूत्र में लाल की बजाय काले मोती है तो वो मंगलसूत्र नहीं शनिसूत्र बन जाता है, क्योंकि शनि काले रंग को दर्शाता है और जिसे नजर दोष के लिए पहना जाता है। अब आप कहेंगे कि मंगलसूत्र मंगल ग्रह को दर्शाता है तो वो पूरा लाल होना चाहिए, उसमें सोने का पीला रंग क्यों होता है? तो बता दें कि ज्योतिष विज्ञान में मंगल ग्रह के साथ साथ गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं और सोना गुरु ग्रह से संबंधित है। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि सोने के पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहन सकें। तो बता दें कि ऐसे लोग पीले धागे में लाल मोतियों को पीरों कर पहन सकते हैं, जिसे सही मायने में असली मंगलसूत्र मानते हैं। वहीं आज के जमाने में मंगलसूत्र शनिसूत्र बन चुका है, क्योंकि आज के मंगलसूत्र में लाल रंग की जगह काले मोती देखने को मिलते हैं और ऐसा मंगलसूत्र पहनने से मंगलसूत्र बनाने और पहनने का जो उद्देश्य था वह खत्म हो जाता है। पुरानी परंपराओं में मानने वाली स्त्री आज भी लाल मंगलसूत्र को ही धारण करती हैं। वहीं काले मंगलसूत्र को पहनने से क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जान लीजिए। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में चोर डाकू होते थे, वे लोग काले रंग के कपड़े, माथे पर काला तिलक, गले में काली ताबीज पहनते थे, क्योंकि चोरी और डकैती करने के लिए आप में बहुत ज्यादा चालाकी, विश्वासघात, धोखे जैसे गुण होने चाहिए और शनि ग्रह का काला रंग आपके अंदर दुर्गुणों की बढ़ोतरी करता है। ये एक नकारात्मकता की भावना जगाता है, इसलिए काले रंग को अशुभ माना जाता है। पहले के जमाने में विवाह के समय काले रंग को सख्त वर्जित माना जाता था और ऐसे काले मोती वाले मंगलसूत्र या कहे कि शनिसूत्र को धारण करने से आप में भी शनि के गुण पनप सकते हैं। आज के समय में लोगों के मैरिड लाइफ प्रॉब्लम की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसे हम सभी देख रहे हैं। उसके पीछे भी कहीं न कहीं काले मोती वाला मंगलसूत्र धारण करना वजह हो सकती है। इन बातों को जानकर हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने विवाहित महिलाओं को सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं दिया है, साथ में यह भी बताया है कि विवाहित महिलाएं मंगल ग्रह की चीजें अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ियां, लाल शादी का जोड़ा इत्यादि, जिससे महिला को मंगल ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।